वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाय गाइस, आज हम लोग इंडोमी बना रहे हैं और उसका फ्लेवर है स्पेशल चिकन फ्लेवर। तो सबसे पहले हम इसे फाड़ेंगे इस तरह, और हम को फाड़ने के बाद उसको ऐसे क्रश करेंगे, और फिर इसको आप कोई भी पॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला ली हूँ, आपको डालना है। और इसके साथ दो सीजनिंग पैकेट्स आते हैं, उसके वो है बम्बू सॉस और चिली फ्लेक्स, और ये है चिली ऑयल। ये हम बाद में डालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें पानी डालना होगा। आप अगर आप सूखी चाहते तो आप सूखी बना सकते हैं, या फिर आप अपने तरीके से पानी डाल सकते हैं। हम इतना यहाँ इतना डाल रहे हैं। उसके बाद हम ये इसकी सीजनिंग डालेंगे। और उसकी बम्बू सीजनिंग डालेंगे। और ये जो ऑयल है ये हम एंड के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें मिला के आप अपनी तरह से भी डाल सकते हैं, पर हम अभी डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही बना देते हैं, पर हम इंडियन हैं तो हम थोड़े सा हल्दी डालते हैं, हाफ स्मॉल टेबल स्पून से भी बहुत कम, इतना इतना डालना है। और लाल मिर्च, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के का मेजर फॉलो करें, आप इतना डालना है। ये था प्रोसेस, और अब हम इसे पकाएंगे। और उसके बाद हम इसे किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे, और आपको जितना चाहिए आप उतना कर सकते हैं, और जितना पकाना है उतना पका सकते हैं, और अपने और आपको कैसा टेक्सचर चाहिए वो भी आपके ऊपर है। जैसे कि आप देख रही हैं मैगी पक रही है, हमने कुछ ज़्यादा ही पानी डाल दिया था, इसलिए हम और पका रहे हैं ताकि जो पानी है वो एवेपोरेट हो जाए। इसलिए आप थोड़ा सा कम पानी डालिएगा। अगर आपको सूप ही चाहिए तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये इंडोमी रेडी हो गई है, अब इसे हम डोंगे में उतारेंगे। आप ये थोड़ा सा केयरफुली करें क्योंकि इसमें ये बहुत डेंजरस है और आपको गरम गरम छींटा पड़ सकता है। हमारी इंडोमी बनके रेडी है, देख सकते हो गाइस। अब ये बनके रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से। अगर ये इंडोमी और ये इंडोमी अब बनके रेडी है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें वीडियो को। पसंद आए मैगी की रेसिपी तो